ऐसा है कि जब जून 2020 में कोविड की महामारी जग भर में और मुंबई में भी आई, उस टाइम मार्च अप्रैल 2020 में जब ये शुरुआत हुई, तो बम्बई में बीएमसी के तहत सिर्फ हमारे पास 4000 से कम हॉस्पिटल बेड्स उपलब्ध थे, और बम्बई की आबादी जो 1,40,00,000 है, वो सरकार की लक्ष्य आया कि ध्यान में आया कि ये बेड्स बहुत कम हैं, और अगर हमने इस पर कोई उपाय नहीं किया तो आने वाले टाइम में बहुत सी मौतें हो सकती हैं और बहुत सा ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। इसलिए राज्य सरकार ने जून महीने में ये आदेश दिए कि जो खुले मैदान हैं वहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल बनाए जाएं, जहाँ आईसीयू भी रहेगा, डायलिसिस बेड्स भी रहेंगे और मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड बेड्स रहेंगे। तो हमने इस तरह के दस कोविड जंबो हॉस्पिटल बनाए टप्पे टप्पे से स्टेजेस में, जिसमें करीब 15,000 बेड्स और 1,000 से ऊपर आईसीयू बनाया गया। और ये जो जंबो हॉस्पिटल बनाए गए, अभी जब ये हॉस्पिटल बनाने के लिए हमने सरकार को उस टाइम बोल दिया था जून 2020 में कि हमारे पास इतना कोविड का हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे 300 इंजीनियर तो एयरपोर्ट पर पोस्टेड हैं लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए 74 देशों से, तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम ये बांधकाम करें और इसको भरें। माडा है, सिडको है, मुंबई रेल है, MMRDA है, आप उनको एक काम पर लगाइए और वो ही टेंडर कंस्ट्रक्शन की निविदा निकालेंगे, वो ही कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो पूरा बना के हमें हैंड ओवर करेंगे। इसलिए जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए उसमें जो कोई 1,000-1,500 करोड़ खर्चा हुआ, उसमें हमारा भागीदारी शून्य थी, और आज तक हमने हमारा उस पर कोई बढ़ हमारे उसमें हमारा रोल जीरो था, हमारा एक्सपेंडिचर भी जीरो है। परंतु जब ये हॉस्पिटल तैयार हो गए तो हमने जो संचालक रहते हैं वैद्यकीय शिक्षण डॉक्टर लहाने थे उस टाइम, उनको हमने पूछा कि आप इसके लिए हमें अभी जो हम ये हज़ारों बेड क्रिएट कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये 10 हॉस्पिटल्स के 15,000 बेड क्रिएट हो गए और उसमें 1,000 से ऊपर आईसीयू हो गया, 60% ऑक्सीजनेटेड बेड्स हो गए, इसको चलाने के लिए हमारे पास मैन पावर नहीं थी, डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट नर्सेज, तो हमने बोला कि राज्य सरकार हमें मदद करेगी। क्या तो उन्होंने बोला कि राज्य सरकार खुद इतने तान में है कि महाराष्ट्र भर में डॉक्टर्स की कमतरता है, तो हम आपको कोई डॉक्टर नहीं दे सकते। तो हमने ये उपाय निकाला कि जो कोविड हॉस्पिटल बना के अभी रेडी पड़े हैं, जहाँ पे इक्विपमेंट हमारा है, मशीनरी हमारी है, हाउसकीपिंग हमारी है, केटरिंग हमारी है, सब कुछ हमारा है, सिर्फ हमें मैन पावर नहीं है। तो हमने एक मैन पावर के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी ने रेजोल्यूशन किया था उस टाइम कि हम एक दिन का, दो दिन का इमरजेंसी कोटेशन लेके हम काम कर सकते थे, पर हमने कोटेशन नहीं लिया, हमने बकायदा 5 दिन का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के पार्टीज़ को इन्वाइट किया। टोटल 4 पार्टीज़ हमारे पास सामने आई, तो उनको हमने आउटसोर्सिंग में काम दिया, और ऐसे ही हमने बाकी धीरे धीरे जो और जम्बो हॉस्पिटल बनाए फील्ड में, तो 10 हो गए, और इसमें करीबन 97,000 जो कोविड पॉजिटिव लोग एडमिट हुए, वो बहुत सारे दिन यहाँ पे, कई दिन यहाँ पे रहे और उनका ट्रीटमेंट किया गया, और ये मुंबई के लिए एक वरदान साबित हुआ कि लाखों लोगों का फ़ायदा हुआ, अदरवाइज उनको बेड नहीं मिलना था। और उसके बाद में 2022 में एक तकरार प्राप्त हुई मुंबई पुलिस को, और मुंबई पुलिस को बोला गया कि ये जो 10 हॉस्पिटल्स में एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के बारे में जो मैन पावर सप्लायर था, और ये स्पेशल इंटरेस्ट में उन्होंने सिर्फ हमें मैन पावर देना था, डॉक्टर, नर्स और एंसिलरी स्टाफ, इसके अलावा उन्होंने हमें कुछ नहीं देना था। तो और इसका एक मॉडल बनाया गया था कि हर 10 आईसीयू के पीछे क्या मैन पावर लगती है, हर 50 ऑक्सीजन बेड्स के बीच क्या मैन पावर लगती है। डायरेक्टर हेल्थ ने हमें मॉडल बना के दिया था, उसी मॉडल के हिसाब से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया, उसी हिसाब से ये फाइनल किया गया, और कि पर बेड पर डे आपको क्या क्या पेमेंट करनी है, वो निकष था इसका। तो जब ये मुंबई पुलिस को ये कंप्लेंट प्राप्त हुई, तो मुंबई पुलिस ने हमसे जानकारी